बात हो चाहे हिंदुस्तान के एकमात्र सम्राज्ञी रजिया सुल्तान के मकबरे की बात हो, मंजी साहिब नीम साहिब गुरुद्वारे की बात हो, भागल बलबेड़ा गांव की टीम और ये अंक लेकर का ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का टॉप का रेडर काला भागल पुनिया परिवार का बेटा। हमारा दोस्तों 2016 और 17 जो सीजन चला हुआ है सबसे उम्दा किस्म का खेल दिखाने वाला विनय खत्री अभी तक अपने खाते में 17 मोटरसाइकिल जीत करके पहले स्थान पर बना हुआ है 2016 और 17 का बेस्ट रेडर अभी तक। और दलाल साहब क्या भाई विनू आरती ने सुबह से मेरे द्वारा कही गई चाहे कविताओं की बात है चाहे ऐतिहासिक बात है उन पर भी खुश होकर 1100 रुपए की धनराशि से सम्मानित करने में नमन करता हूं भाई। विनू अनाज मंडी हमारे कमीशन एजेंट हैं, आपके घर में सुख शांति समृद्धि उन्नति तरक्की विकास प्रतिष्ठा कामयाबी बनती रहे और आपके परिवार दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करते रहे। चलिए दलाल साहब अरे सुन कैची और यहां कैच हो गई बजाइए तालियां। सुधीर डालडा को सोनू बागड़ी ने कैच किया। अब आ रहा है बहुत ही दमदार रेडर बहुत ही पुराना रेडर जय भगवान और काला गांव लगेगा। ये एक टीम वर्क है चाहे जयपाल आरती की बात है ये भी हमारे करौंथा गांव के हैं। अर्चय भाई मुकेश सरपंच पाकसमा की बात है, रणबीर सरपंच करौंथा की बात है, कमल सरपंच करौंथा की बात है, सोनू सरपंच की बात है, सुमित आर्य की बात है, बड़े हमारे दानवीर साथी हैं। और ये है कौन मेरे भाई दर्शक साथियों मजा ले लो फाइनल जैसा मुकाबला मजा ले लो किस पर ले आ जाए। दलाल साहब टाइम कितना इस मैच का टाइम है 10-2-10 का है। इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा करौंथा गांव की ये प्रतियोगिता हर चाहे प्रतियोगिता भाई गांधरा गांव में हुई थी आज उसी की ही बिल्कुल देखते कौन सी आगे रहती है। बिल्कुल है और ये है दोस्तों बागड़िया काला और बिल्कुल है BA1 का छात्र है जाट कॉलेज कैथल का स्टूडेंट है अपने विश्वविद्यालय को जो हरियाणा प्रदेश का 1956-57 का पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र 4-7 नवंबर 2016 को गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया और वहां के चांसलर मेजर जनरल डॉक्टर रणजीत सिंह ने इसको 11,000 रुपए की धनराशि से सम्मानित करने का काम किया था। सिर्फ 21 साल की इसकी उम्र है काला भागल जिला कैथल। फिर आ रहा है सुधीर डालडा शर्मा परिवार का बेटा गांव जमोला नियर जुलाना डिस्ट्रिक्ट जीन। दलाल साहब खिलाड़ी ने भी अपने नाम कई मोटरसाइकिल के वशिष्ठ परिवार का बेटा जमोला जिला जींद का चाहे ये काला लाठ है भाई दर्शक साथियों हिंदुस्तान का 2014-15 का उच्च कोटि का खिलाड़ी रहा काफी मोटरसाइकिल काला लाठ के नाम है भाई मजा ले लो भाई ले आ जाता हो तो आज इतनी उच्च कोटि की टीम आ रही है। टीम के साथ साथ सरपंच साहब मुकेश खिलाड़ी आ रहे हैं क्योंकि दो की छूट में तीन टीमें टूट जाती हैं चाहे सिल्लू मदीना की बात आप नोट कर ले इधर बलबेड़ा की टीम में दो की छूट में उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं। उधर से रजवाना रेड भाई दोस्तों ये बताना इसमें दलाल साहब बलबेड़ा में दोनों रेडर काला बादल सुधीर डालडा दोनों और ये है काला लजवाना जय भगवान अलावत परिवार ये है कौशिक परिवार का बेटा बिल्ला बलबेड़ा मेला बलबेड़ा गोली बलबेड़ा शानदार कैच और एक अजय का यस चारों का अच्छा सेट है। अरे दोस्तों साली स्टार खिलाड़ी उभरता हुआ अच्छा खिलाड़ी काला भागल गुरजिंदर सिंह पुनिया उर्फ काला भागल सोनू बागड़ी को टच होगा। देखिए इस लड़के का भी खेल देखिए आप इस लड़के को भी बलबेड़ा टीम ने गांव लजवाना कला में 19 फरवरी को बुल्ट मोटरसाइकिल से सम्मानित किया था है? जो हमारे पास सूचना है चलो कोई बात नहीं है। विनय खत्री जिला रोहतक का ही नहीं हिंदुस्तान का शानदार रेडर दोस्तों बहुत कम हुआ है मेला बलबेड़ा जिसकी तोती पंजाब तक बोलती है वो मेला बलबेड़ा दोस्तों लेकिन अब फिलहाल
पॉइंट गोज टू विनय खत्री। और दलाल साहब एक और जानकारी दे दूं, इस पुराने जिला रोहतक को चाहे दक्षिण के रूप में, चाहे सोनीपत के रूप में और चाहे वर्तमान इस रोहतक के रूप में, सबसे ज्यादा श्रीपाल जी कबड्डी कोच बैठे हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के। सबसे ज्यादा जो 1523 खिलाड़ियों ने इनाम जीते थे 23 मार्च 2016 को शहीद राजगुरु सुखदेव, जो हमारा दंगल हुआ था, इस जिले ने जीतने का काम किया था। और जो 1 करोड़ की धनराशि मोस्ट खतरी पणजी जयराम जिला सोनीपत और दूसरे स्थान पर था, दर्शक साथियों सुमित कुमार रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड 50 लाख रुपए, देवव्रत जो सत्यव्रत काद्यान के बेटे अर्जुन अवार्डी के, उन्होंने 25 लाख रुपए, और गुरुपाल सिंह पंजाब के खिलाड़ी ने 10 लाख रुपए। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य, जिला रोहतक ने काफी धनराशि जीतने का काम किया खेलों के अंदर। और दोस्तों इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाइए, बहुत ही अच्छा खेल रहा है। और फिर मिली टच, हल्का सा टच, पॉइंट टू काला भागल। और डॉक्टर संदीप सिरसल जी, सुशील शर्मा जी, राजेश शर्मा जी और भाई कुलदीप शर्मा जी, खेल समिति करौंथा जिला रोहतक को शुभ संदेश दे रहे हैं। आपके द्वारा करवाई गई कैथल जिले में, नरवाना में, सारा हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में टीवी पर सीधा लाइव प्रसारण चला हुआ है, करौंथा गांव की खेल समिति को शुभ संदेश दे रहे हैं। अरे गोली सतपाल जी, हाँ जी, परसों वाला काम हो जाएगा देश में, विदेश में, प्रदेश में, जो करो था कि धरती का कबड्डी का महाकुंभ देख रहा, सबको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक का बोले जाएंगे तो टूर्नामेंट खराब हो जाएगा। बिल्कुल भाई, सभी जो दर्शक हमारे पास फोन कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हरियाणा प्रदेश के आप है, बड़े अच्छे दर्शक है, सारी दर्शकों की तरफ से खेल समिति करोथा को बार बार बधाई हो। हम डिस्टर्ब हो रहे हैं आपसे, हम माफी चाहेंगे, आप बड़े अच्छे भगवान रूपी दर्शक है और शुभ संदेश दे रहे हैं खेल समिति करौंथा को। और ये राजा बलबेड़ा राजकुमार काला लाग, दोस्तों राजा बलबेड़ा को ट्राई करता हुआ, रणबीर सिंह कलोई ने लिखा है काला लाठ की कैची प्यारी। दोस्तों इन्होंने टेक्निक लिखी है, काला लाठ ने जिसको कैची लगा दी ना, लगा दी। दलाल साहब दानवीर कर्णों में एक और नाम सतपाल पहलवान गांव डिगल, हमारे इस क्लब को 11,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दे रहे, जोरदार तालियां सतपाल पहलवान डिगल के लिए। डिगल के बड़े मानने जाने खिलाड़ी हुए हैं, चाहे नंदलाल जसोर खेड़ी की बात है, सुबराम बधाणी की बात है, सुखलाल डिगल की बात है, आप जानते होंगे आपके गांव का इतिहास के पन्नों में वर्णन। मेला बलबेड़ा काला लजवाना, दोस्तों बहुत बढ़िया फाइटर, काला लजवाना सफल हो गया। फिर आ रहा है गुरजिंदर सिंह पुनिया उर्फ काला भागल, ये गुलाची का हल्का पड़ता बलबेड़ा का भी। और काला ये देखे प्यार से बड़े भाई से स्कोर मिला काला भागल को। दलाल साहब भगत होटल के मालिक भाई बीजा करौंथा से हमारे इस क्लब को 11,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दे रहे हैं, माननीय भगत होटल के मालिक है बीजा भाई। फिर आ रहा दोस्तों विनय खत्री, बहुत बढ़िया मैच चलता हुआ, ये बिलास से टच हुआ, पॉइंट टू विनय खत्री। दोनों टीमें आ जाए, राजपुरा बहन वर्सेस बहु अकबरपुर, राजपुरा बहन की टीम पहुंच चुकी है, अनुरोध करना चाहूंगा बलारा खाप की टीम बहु अकबरपुर ग्राउंड पे आ जाए। और दलाल साहब है ट्रक यूनियन का, जिनका अपना कार्य है, जितेंद्र जी गांव करौंथा हमारे क्लब को 11,000 रुपए की धनराशि दे रहे हैं। बहुत ही जोरदार मुकाबला, सोनू बागड़ी सुनील डालदा, सोनू बागड़ी सुनील डालदा, बलवान सिंह योगेश है। और दलाल साहब
माननीय अशोक कुमार जी बैंक मैनेजर करुंथा हमारे इस खेल क्लब को 21,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में जोरदार तालियां दर्शक साथियों बैंक मैनेजर अशोक करुंथा के लिए। इसी कलम तो सतपाल जी कम से कम 100 बाकी है पर बिल्कुल इलाका है। पहले स्कोर सुने 7 बलबेड़ा 13 खरगजाटन और भाई बहुत ही हरियाणा स्टाइल कबड्डी में जो प्रसिद्ध गांव है खटखड़ पूरा गांव आपका लाइव देख रहा बधाई दे रहा लेकिन हमने माफी मांग लिया आगे कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी जब तक मैच स्टार्ट होता। दोस्तों खटखड़ का नाम आ तो दो बात और बताएंगे। बहुत बड़ी लीग करवाई जा रही है कबड्डी हरियाणा .com संदीप नौली सुबह सिंह सोरकी अनिल काजल का अथवाला जिला जींद के द्वारा इनाम होगा 3 लाख रुपए, दूसरा इनाम होगा 2 लाख रुपए, तीसरा इनाम होगा 1 लाख रुपए, चौथा 5,35,000 जो उसकी ट्रायल होगी वो 26 और 27 तारीख को गांव खटखड़ में होगी जो कि 1 ID, 2 फोटो और 1,000 रुपए फीस के साथ ट्रायल ली जाएगी। 8 टीमें बनेंगी, दमदार टीमें बनेंगी, वेन्यू दिए जा रहे हैं और पर मैच का बेस्ट कैचर होगा 1 सैमसंग मोबाइल और 2100 रुपए पर मैच। जो क्वार्टर के मैच होंगे 40 इंची सोनी की LED दी जाएगी 8 यानी 4 क्वार्टर 4 × 8 सेमी में 4 डीलक्स मोटरसाइकिल दी जाएगी और फाइनल जो मैच होगा दोस्तों 7.5 लाख रुपए का मैच होगा 5 लाख रुपए नगद और 2 बूट। 14 मई को फाइनल मैच श्री जिला रोहतक में होगा यानी रोहतक जिला के लिए तालियां बजाइए। होली का भी फाइनल रोहतक जिला में होने जा रहा है। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा दलाल साहब है दानवीर कर्णो में माननीय कृष्ण उर्फ पप्पू करुंथा हमारे खेल क्लब को 31,000 रुपए की धनराशि देने का काम करें। एक बार जोरदार तालियां और हमारे बीच में मंचा सिंह है NSUI नेता प्रशांत दलाल जी इन्होंने घोषणा की है जो इस प्रतियोगिता का बेस्ट वेडर कैचर होगा दलाल साहब 1,100 रुपए की धनराशि यानी कि 2,200 रुपए की धनराशि मेरे पास पहुंच चुकी है। प्रशांत दलाल NSUI नेता करुंथा में जो भाई पहुंचे उनके द्वारा मैं धन्यवाद करता हूं भाई प्रशांत दलाल जी। आर्य बिल्ला बलबेड़ा लेकिन अभी गेम चालू है दोस्तों बिल्ला बलबेड़ा बेड़ा का अच्छा था क्यों छेड़ा बहुत ही अच्छा कैचर है दोस्तों और देखिए सही कह रहे दलाल साहब इतनी कल में आ रही है किरीशन और पप्पू करुंथा 31,000 रुपए की धनराशि हमारे खेल क्लब को दे रहे हैं। मैं नमन करता हूं किरीशन और पप्पू करुंथा जिला रोहतक को। फिर आ रहा है काला लजुहाना भाई दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं और डस्टिंग कर लें आपस में रेता लगा लें फिर टाइम नहीं मिलेगा डस्टिंग कर लें। दर्शकों की बड़ी मांग है ये मेला बलबेड़ा दोस्तों और हमारे बीच में सतपाल सरपंच मांडोठी चली मिनटों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं खेल समिति के सदस्य उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं सतपाल सरपंच मांडोठी। ये है मेला और बिल्ला बलबेड़ा शानदार जोड़ी जिन्होंने एक एक कैच लगा के मैच को करीब ला के खड़ा कर दिया दोस्तों। राजा बलबेड़ा राजा महाराजा बलबेड़ा जिला कैथल गांव का जो हलका है वो गुलाची का और पंजाब बॉर्डर के पास बसा हुआ गांव है ये सोनू बागड़ी और निकल गया 4 पॉइंट मेरे हिसाब से अशोक मांडोठी लगातार बनाए हैं यानी मैच मुकाबले का हो गया है। बहुत ही बड़ा प्रयास विनय खत्री फिरेड में दोस्तों इस मैच में कौन जीतेगा थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा जो कि बहुत से सट्टा लगे हुए इस मैच में कि कौन जीत रहा कौन हारा टीम को इसी भी कमजोर नहीं है। और देखिए दलाल साहब दानवीर कर्णो का इधर है बिल्कुल है मैं मानता हूं आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं दलाल साहब मैं माफी चाहूंगा। मनजीत सिंह ब्लॉक समिति हमारे प्रदान है हमारे इस खेल क्लब को 51,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दे रहे हैं और ऐसे ही
अतिथियों का मान सम्मान इज्जत करी सारी टीम है। सुखबीर मेंबर उर्फ दुंदा जी वो भी हमारे इसे क्लब को धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दे रहे हैं। माननीय सुखबीर मेंबर उर्फ दुंदा जी और मंजीत ब्लॉक समिति प्रधान 51,000 रुपए, सुखबीर जी 11,000 रुपए। और जी सतपाल जी जो सर्वे निकल के आ रहा 2016 और 17 का सबसे लोकप्रिय रेडर दो है और वो दोनों रेडर यहाँ खेलते हैं बिना खेती और काला भागल बिल्कुल लोकप्रिय। सर्वे आते रहते हैं कबड्डी हरियाणा .com पे और वो आज कबड्डी 1008 भी आपके बीच में ये भी लाइव प्रसारण कर रहे हैं। और भी आया होगा एक आधा सर्वे तो आंदे रहेंगे जी, यहाँ का हर मैच का सर्वे बदलेगा क्योंकि एक से एक बढ़िया टीम आपने बुलाई और भी एक बढ़िया खिलाड़ी आपने बुलाया और भी आया होगा दानवीरों का मैंने बता दिया वो तो थोड़ी बार में कह रहा है मेरे को टूट जाएगा यह भी ना खतरी। दोस्तों फिलहाल फोकस डालते हैं मैच पर। एक बार लाल साहब एक बार दोनों टीमों के सदस्य इब्बे गिन ले फिर दिक्कत हो जाएगी, ये आपकी जिम्मेवारी है अभी भी बिल्कुल अलग अलग गिन ले हम फिर किसी की नहीं सुनेंगे। उसी के हिसाब से बिनू है जो हमारे आड़ती है 500 रुपए मल्टीप्लाई कर देंगे फिर कहेंगे जी हमारे 20 है या 10 है 8 है 4 है, अभी ये आपकी जिम्मेवारी है। बता दो मैं लिख लूंगा दलाल साहब आ रही है काला ले जो है दोस्तों बिल्कुल आज तो नहीं इस बीच में ऐसा ला दिया देखिए फिर अच्छी फाइट यहाँ काला ले जुआना सफल। सतपाल जी हाँ जी बल बेड़े के खिलाड़ी हैं 10 अच्छा जी और खरक जाटान के खिलाड़ी हैं 13 लास्ट 5 मिनट टू प्ले अंतिम 5 मिनट का खेल चला हुआ है। यह सुधीर शर्मा बेटा स्टिंग कर ले खिलाड़ी काला लाठ है दर्शक साथियों राजकुमार उर्फ काला लाठ है हरियाणा प्रदेश का दोनों खिलाड़ियों के लिए दलाल साहब कोस्ट डूब किया सिंधु में गोता खोर लगाता है और जाकर खाली हाथ आता है सहज न मिले मोती उसको गहरे पानी में बढ़ता उसका उत्साह इसी हरानी में मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती और लोगों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यह है विनय खत्री बिल्कुल सही आपने बता और यहाँ स्कोर मिल जाएगा विनय खत्री को क्योंकि टीम बलबेड़ा ने फाउल किया चैन तोड़ी पॉइंट गोज टू विनय खत्री। दोस्तों काला बादल के लिए तालियां बजाई अभी तक नॉन स्टॉप चला हुआ बिल्कुल सारे खिलाड़ी आज करंथा गांव की सरजमी पर भाई मुकेश बिल्कुल उच्च कोटि की सारी 16 टीमें बुलाई थी और यह छोटी सी जो मेरे लिए तो एक छोटे से आदमी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी और यह जिम्मेवारी के तहत मैंने टीमों से संपर्क किया आप लोगों के आशीर्वाद से आज हरियाणा प्रदेश का एक भी खिलाड़ी अछूता नहीं है खेल मैदान करोत्था पर विराजमान है। मानिए यह ट्राई जारी है मेला बलबेड़ा चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का एक दमदार खिलाड़ी है। सतपाल जी मैं आपको बता दूं जो बलबेड़ा टीम 6 पॉइंट से आपके में पीछे चली थी ना हाँ जी मैच बराबरी पर आ गया ताली मारिए। हाँ भाई प्रोटेस्ट लिया क्या प्रोटेस्ट है बोलिए क्या प्रोटेस्ट है टाइम आउट मेडिकल टाइम आउट है पीने के लिए चलो ले सकता मेडिकल टाइम आउट अधिकृत है 2 मध्यांतर से पहले 2 मध्यांतर के बाद कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो नियम है आप अधिकृत है लीजिए और मेडिकल टाइम आउट का लग कोई लड़की आ रही है कोई योगा वाला आ रहा है कोई बेचारा मोटरसाइकिल वाला आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये बहुत सी दुकानें भी चलती हैं तो हरियाणा स्टाइल कबड्डी में बहुत जान है और यह सुधीर शर्मा
काला लाख सुधीर शर्मा काला लाख लेकिन पॉइंट गोज टू बलबेड़ा जला कैथल। फिर आएगा विनय खत्री, शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा भाव है विनय खत्री का दोस्तों, वो अच्छा सानी स्टार है मेला। पॉइंट गोज टू विनय। अंतिम अक्षरों में मैच चला हुआ है और मैच भी बराबरी पर चला हुआ। दर्शक भाइयों आप ये मैच भी देख रहे हो और कहीं भी मैच आप नहीं देखेंगे, अंतर आप निकाल सकते हो। और दलाल साहब है जो हमारे गांव के मुखिया रणबीर सरपंच जी, उनके पिताजी हैं सुल्तान पटवारी जी, हमारे इस खेल क्लब को 11,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दे रहे हैं। जोरदार तालियां सुल्तान पटवारी करो। ऐसा मैच आपको किस्तों पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा दलाल साहब। ठीक है आप गोल मानिए रणबीर सरपंच के पिताजी हैं सुल्तान पटवारी जी, 11,000 रुपए की धनराशि हमारे खेल क्लब को देने में नमन करूंगा। सुल्तान पटवारी जी करौंथा जिला रोहतक। सुधीर शर्मा मैच की बलबेड़ा टीम इस मैच में पहली बार एक पॉइंट से आगे निकल चुके। अच्छा अच्छा ये मैच आ गया तो दो अंकों से हो जाएगी है? हाँ ये तो यदि कैच होगी तो बराबर हो जाएगी जी। सुधीर शर्मा काला लाख की ट्राई और देखिए अभी 20 सेकंड का समय चल रहा, काला लाख अपनी ट्राई करा दोस्तों। दो अच्छे खिलाड़ियों में बहुत ही बढ़िया फायर थे सुधीर को, मैच भी बराबर हो गया। अरे संभालिए साहब साउंड की जो दिक्कत है मैं बता दूं, अनिश पूछ लिया जो जनरेटर है वो छोटा, जब इसका जनरेटर चलेगा ना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं बस मैं समझ गया। एक एक रेड बाकेर मैच बराबर है। चलिए चलिए बड़ा अच्छा हमारे ये लास्ट रेड है खरग जटान की तरफ से, बलबेड़ा की तरफ से मैच बराबरी भी होगा शायद। रणबीर जी ध्यान रखें, सीनियर कोच है श्रीपाल जी, बड़े अच्छे हमारे पॉइंट टू बिल्कुल सफल रहेगा। और आप पोषण आ गए दोस्तों, काड़ा भागल अगर इस मैच में रहा नॉन स्टॉप यानी अंक लगा सफल तो मैच बराबरी पे। चलिए चलिए रणबीर जी साथ दिए, लास्ट रेड है गुरु जी साथ दिए, राजेश नजदीक से राजेश कह रहे बराबर हो गया दलाल साहब शायद बराबर होगा, बराबर मैच है। और इस मैच में दोस्तों सरपंच पाकिस्तान जी होता पांच पांच रेड का मैच था, काला भाग रेड पर पहला पॉइंट इस खिलाड़ी के लिए। और दलाल साहब मुकेश उर्फ काला सरपंच पाकिस्तान ने मेरी परफॉर्मेंस पर खुश होकर गांधरा में 5100 रुपए अलग से मेरे को सम्मानित किया। मैं मेरे बड़े भाई को नमन करता हूँ जो मेरे को इस लायक समझा, एक छोटे से इंसान को काफी धनराशि इन्होंने मेरे को वहां भी देने का काम किया था। और अभी टाइट मैच है, अनिश एक बार आ जा, ये दूसरी होगी एक एक रेड, एक एक रेड होगी, दोनों जो स्कोर गया वो रेडों के पक्ष में गए यानी मैच फिर बराबर। यानी कि मैं ठीक है आपका सहयोग कर देता हूँ, ये दूसरी रेड शुरू होगी है राजा बलबेड़ा भाग बलबेड़ा की तरफ से दूसरी रेड है दलाल साहब। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आपका सहयोग करूंगा मैं। ये दोस्तों दिल दहलाने वाला मैच है, काला लाख मेरे भाई काला लाख के पक्ष में एक और कैच फिलहाल खरग जाटान को बढ़त दिलाते हुए, लेकिन अभी खेल बहुत बाकी है। और दूसरा दूसरी रेड है दलाल साहब खरग जाटान की तरफ से, खरग जाटान की तरफ से दूसरी रेड, नौजवान काला गाउले जो है जला जीत के द्वारा बिल्कुल सामने बलबेड़ा जिला कैथल के चार स्टॉपर हैं और ये करौंथा जिला रोहतक का पवित्र खेल मैदान जहाँ सुबह से बहुत बड़ी प्रतियोगिता योगेश खोखर और उसकी सारी टीम के द्वारा करवाई जा रही। दर्शक साथियों
और ये मेरा लवल बेड़ा चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद का एक दमदार खिलाड़ी रहा। रेडर सेफ है, रेडर बिल्कुल आप है सहयोग करें। और ये दलाल साहब तीसरी रेड काला भागल के द्वारा तीसरी रेड दोस्तों, बहुत ही गजब का मैच लड़ा लड़के ने, लेकिन अभी खेल बाकी है। और यहां निशला भी पॉइंट टू काला भागल साइड प्रवीण आउट हो गया बिल्कुल। 22 मीटर का ये परिधि का व्यास है, इससे आउट हुआ, इसका बेनिफिट रेडर को मिला। फिर तीसरी रेड आया दर्शक साथियों खरग जटान जिला रोहतक की तरफ से विनय खत्री के रूप में तीसरी रेड। और यह विनय खत्री आपको बता दूं अभी ये बेटा कनाडा भी खेल के आया है और जो पंजाब में लीग हुई थी उसके अंदर बॉल का जो अंक था अंतिम रेड लगाकर दलाल साहब करोड़ों रुपए की धनराशि कैलिफोर्निया ईगल को दिलाने का काम किया और 17 मोटरसाइकिल अभी तक इन्होंने जीतने का काम किया। वर्ल्ड कबड्डी लीग का फाइनल मैच पर जो खेला था बिना खतरी बेजोड़ रहा था दोस्तों, लेकिन आज भी कैच लगती रहती, सिर्फ एक ही कैच है बिना खतरी को अभी तक। और दलाल साहब है 23, 24, 25, 26 मार्च को ईगल गौशाला में रागनी कंपटीशन है, जो भी रागनी प्रेमी है वहां पर अपना लुफ्त उठाए, हरियाणा के मानने जाने कलाकार आ जा रहे बिल्कुल। जो चौथी रेड सर बताया की तरफ से धुंदा ने, वहां पर सपना चौधरी अपनी प्रस्तुति देगी, फिर है काला लजवाना। चौथी रेड बल बेड़े की चार रेड हो चुकी है, यहां मेला पॉइंट तो काला लजवाना एक एक रेड है। रणबीर जी कबड्डी कोच दिल्ली पुलिस का इशारा और काला भागल, अगर काला भागल को कैच हो गई तो मैच यहीं पर बंद हो जाएगा, नहीं तो मैच चलता रहेगा। और काला भागल लॉन्ग रह गया मैच में क्योंकि इसकी अंतिम रेड हो चुकी है और 1100 रुपए बिंदु आरती के द्वारा इसके खाते में मेरे पास आ चुके हैं दलाल साहब। और दर्शक भाइयों पोजिशन ये है, सुनिए, अगर विनय खतरो ने लिया स्कोर तो खरग जाटान विनर, अगर लगी कैच तो फिर मैच बराबरी बराबर। इस रेड पर निर्णायक रेड होगी, कोहली को साइड टच हो गया और विनर खरग जाटान विनर। और ये 1100 रुपए की धनराशि बिन्नू आरती करंथा के द्वारा काला भागल के रूप में